दिस इज नॉट अ गेम, ये एक ऐसा गेम है जिसको हमने खरीदने के लिए खेलने के लिए 4,500 रुपए पेमेंट किया, तो इसको हम गेम कभी नहीं बोल सकते क्योंकि आज ना अपन ने ना कुछ नेक्स्ट लेवल करने वाला है। मुझे नहीं पता क्या करने वाला, क्योंकि सेकंड पार्ट में तो नेक्स्ट लेवल हो ही गया था। एक भैंसा जैसा कुछ इंसान था, उसको हमने ठोक डाला था। पता नहीं कितना खतरनाक इंसान था, कई बार उसने हमको भी मारा, एंड एटलीस्ट लास्ट में हमने उसको मार दिया था। मैं बता दूं, मैं और दूंगा सभी को, पता ही ना क्या क्या कहने वाला था, लॉलीपॉप। हाँ तो पता है ना सबको क्या कहने वाला, अरे छोड़ो सबको, मैं पता नहीं क्या बक रहा हूँ। माय गॉड, लेट्स गो। और लास्ट टाइम हमने इंसान को मारा था, ये मरा कि नहीं मरा अभी? ओके, ये मर चुका और हमें यहाँ कैट्स आई बीट्स मिल चुके। ये क्या है? कैन नॉट अब्जॉर्व स्पिरिट। फक, ये उसकी आत्मा है, मर नहीं रही है, मरेगी ये आत्मा, नहीं मर रही, आत्मा वहीं पर है। क्या हम आगे जा सकते हैं? ऑब्वियसली आगे जा सकते हैं। और ना ही इंसान की कभी आत्मा मरती है, ना ही इस जानवर की मर रही है, और वैसे की वैसे वहीं पर है अभी भी। स्किप दैट। हाउ दिस इज क्रेजी ब्रो। चल भाई, चल चल चल, जो सीधा ये अजीब सी आवाज़ आ रही है, सब कुछ तो पता नहीं, बट ये सच में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। ये इतना फक, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? मेरे पास एनर्जी तो फुल हो चुकी है। ये कौन सा इंसान है? ये मारेगा क्या हमको? ये क्या है? गुआन जी, फक वाज दैट। आई थिंक इसके पास ये जो हाथ वाला हथियार है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। ओए नहीं 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 नहीं, मुझे इसका हथियार अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अभी मैं अपने जैम हो गया, ये इसको तोड़ दे थोड़ा थोड़ा। ओके, ये इनफ था, मार दो इसको एक बार और जम कर गया। कम ऑन, ओके वो काफ़ी दूर गया। साला पूरा चक्रिया जैसा घूमता है सुअर का पिल्ला। जैम हो जाए सारे, अभी नहीं चार्ज हुआ मेरा, जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक जैम नहीं होगा। ओए, मेरे को भी डैमेज इसने काफ़ी दे दिया। साला ये क्या है, उड़ के आ रहा है, इसने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया, आग वाला डैमेज। ये आधे से कम का डैमेज का बचा है साला, फिर भी लवर लवर कर रहा है। रुक जा एक मिनट बेटे, तू जैम होने वाला है, तू भी जैम करता, थोड़ा और बचा, चार्ज हो जाए। 1, 2, 3, ये चार्ज हो गया। आ जा तू, तू मेरे लाइन पे आ पहले बेटा। इनसफिशिएंट मैना टू कॉस्ट, नहीं होगा क्या ये? नहीं होगा लगता है। साला भैंस की, ये तो मर ही नहीं रहा, गाली निकल रहे तेरे लिए बेटू, क्यों तगड़ा घुमाता ये राउंड अबाउट सूर। मर जा भूतनी के। ओह दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज क्रेजी। मेरे अंदर नेक्स्ट लेवल की पावर आ चुकी है, ये मैं उखाड़ सकता हूँ क्या? द हेल इज गोइंग ऑन हियर। रेड टाइड मुझे मिल चुका, अब मजा आएगा अब नेक्स्ट लेवल का। ये मुझे मिल चुका है और इसकी वजह से ना मैं किसी को भी क्या लिखा है, वेपन अवेलेबल डिस्क्रीज द ओनर कलेक्टिंग द ग्रेंस एंड एबिलिटीज। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग कंटिन्यू कंज्यूम आइटम रिक्वेस्ट। ओके, माइंड विल ग्रेजुअली रिकवर। ओके, मैं रिकवर करूँ या ना करूँ, बट तुमको जरूर मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक और नेक्स्ट लेवल की शक्ति आ चुकी है यहाँ पे। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं अंदर बजाएगा या नहीं बजाएगा। बजा दे बेटे। कुछ तो होगा ही, यहाँ पे बढ़ क्या होगा मुझे नहीं पता। फक, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये आवाज कहाँ से आ रही है मेरे को? इज इट गिनसेंग? ये यहाँ पे किसी के सॉल है। हेलो, विल वे विल थे, मुझे लगा सवाल है किसी की। ओ, ये तबले को मैंने एक ही बार में चीथड़े उड़ा दिए इसके। एक मिनट, मैं शिफ्ट करके और स्पीड इसको डबल कर सकता हूँ। गो 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 इनसाइड। और सर दौड़ा, मुझे एक चीज़ अभी भी इसकी समझ नहीं आई कि इसके जो दौड़ने का तरीका है, और हमने घंटा भी तोड़ दिया, ये गेट नहीं टूटेगा लगता है। उधर एक झील बह रही है,
अच्छा 4,500 दे दिए, वो बात तो है, उस बात को हम भूल जाते हैं, बट फिलहाल के लिए इसके ग्राफिक्स देखो तो नेक्स्ट लेवल है। शायद आज तक इतने सारे गेम्स आए हैं उनमें से इसको मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। आई मीन आई गेट दिस 10 आउट ऑफ 10। मैं ग्रीन हिल को भी 9.5 देता हूँ, बट इसको मैं 10 में से 10 देता हूँ क्योंकि ग्रीन हिल भी नेक्स्ट लेवल है। एक तो इसमें ये क्या सब फायरिंग कर रहा है, नो 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 भाई, ये ऊपर से रॉकेट छोड़ रहे हैं, तीर बाण का कमाल कर रहे भाई, तीर छोड़ रहा है सुअर का पिल्ला। ये बेटा बेटा मस्ती नहीं, तुम्हारे तीर जब तक रिलोड होंगे तब तक तुम्हारा इधर तमाम हो जाएगा काम। मर गया कि नहीं, मर गया 725 आई मीन 24 भाई, मेरे को 24 कॉइल्स मिले, व्हील्स मिले और इनका यूज़ कर सकता हूँ मैं कुछ भी खरीदने के लिए। ये भर गया। और इधर ये उसकी सॉल अभी भी अटकी पड़ी जहाँ पर मैंने उस मोटे भैंसे को मारा था। ठीक, आ जा बेटे आ गई। कैन नॉट ऑब्जर्व स्पिरिट विदाउट गाइडेंस, फक वॉज दैट। अब हमें गाइडेंस कहाँ पे सीख, अभी हमें कोई गाइड करेगा एंड उसके बाद हम इन स्पिरिट्स को क्लेम कर सकते हैं, आई मीन क्या बोलते हैं ना, पकड़ सकते हैं, ऐसे हम नहीं पकड़ सकते। अच्छा ऐसा क्या हो सकता है क्या कि हम पता लगे इस मतलब क्या बोलते हैं इन स्पिरिट्स को पकड़ लें और उनके अंदर की पावर हमारे अंदर आ जाए। इवन मुझे नहीं पता, आगे पता चल जाएगा, पहले मैं कहीं गाइडेंस तो मिले। मैं पुल पर से जा रहा हूँ, क्या ये सही रास्ता है? पता इसमें एक तो कोई क्लियर चीज़ भी नहीं दिख रही है। ओए नो, ये मेरे को फॉलो कर रहे हैं। आ जा बेटे, कोई मस्ती नहीं यहाँ पे, अगर कुछ भी मस्ती हो मैं गाड़ दूंगा सब। जा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा ये। हेलो ओ बुढ़ाओ, निकलो बाहर यार तुम। रेस्ट करने के लिए उसको निकालते बाहर। आई गन ए सेल्फ रेड सेट स्पेल, ओके कहाँ गया ये रेड टाइड? ओ फक इज दिस, मैंने रेड टाइल को तो वहाँ पे उस बंदे से छीन लिया था। फक इज दिस, दिस इज गोना बी टू ऑलराइट। सेल्फ डे एडवांस, अबे ये क्या था इसका मैटर मुझे नहीं तब। ये इधर अभी ये अनलॉक नहीं हुआ, ये 15 नंबर, ये क्या है? मुझे उसको पढ़ना होगा। ये क्या था? ये भी नहीं है, इक्विपमेंट में देख सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें कहाँ होगा, ये हो सकता है। ये मुझे कहे टाइप बीट्स मिली है और इसका मुझे शायद मुझे नहीं पता क्या होगा इससे, और आई थिंक कुछ अच्छा हो तो बेटर होगा। गाइडेंस मुझे स्पिरिट वाला पढ़ना है कि मैं उस स्पिरिट को और उस टाइड को कैसे पढ़ सक मतलब काबू में कर सकता हूँ। हाउ टू अवोकन, ओके ये अवोकन हो चुका है, मैंने अपनी रेड टाइड को अवोकन कर लिया है, बट एक्चुअली आगे का नहीं समझ आ रहा क्या होगा ये। कम ऑन गो 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 गो, एंड इवेंचुअली मुझे नहीं लगता कि सब कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर। फिलहाल के लिए तो अभी सब सही चल रहा है। ये सामने दो बंदर, ये कौन है? आ जा, ये हम पे अटैक कर रहा है। मेरे को घंटा तू पकड़ भी पाओगे ज़िंदगी में, यानी अपनी ज़िंदगी में खाओ पियो, थोड़ा कॉम्प्लान पियो, क्या बोलते हैं लिमका उमका, लिमका गंदी चीज़ है। अरे बीच बीच में तबला बजने का क्या मतलब है? बीच बीच में ढोल तबला बजता रहता है। हेलो ओए, अबे बुड्ढा हो क्या, आराम चल। इसमें पाउडर अभी यहाँ पे जंप कर पी पाएगा या नहीं? यहाँ पर इतनी गंदी सी जगह है अबे, इतनी ज़्यादा ये टूट फूट ना जाए कहीं मेरे खिलवाड़ के चक्कर में। और ये चलता है तो जैसे लंबे लंबे पैर धरता, ज़मीन हिलती है। मार मत फालतू का, एक जो तेरे ये सामने कोई तो है यहाँ पे। अबे ओए संभल के थोड़ा मुझसे, फक वॉज दैट, इसको तो मैं क्लियरली मार दे रहा हूँ। वाओ दिस इज क्रेजी, वो ये ज़रा तीर बार छोड़ रहा है। रुक जा एक मिनट, इसने मेरे को डैमेज कैसे दिया? मेरे दो बाण लग चुके हैं, तूने मेरे को डैमेज कैसे? ओए उसके पास एक से एक, ओ ये आपस में ही लड़ रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो, अच्छी बात है। एक मिनट, ये साला मोटा भैंसा बचा है, क्या ही मेरे ऊपर अटैक करेगा बेटे?
Yeah, this is crazy, bro. मैंने इसको भी मार दिया, अभी देखना कुछ और होगा निकले और मुझे नहीं पता। This is gonna be crazy now, man. ये गेट खुल चुका है, अब यहाँ पर क्या होगा? शायद हम पढ़ेंगे या हमें स्पिरिट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा ब्रो, या हमारी फाइट होगी। अबे तुम्हारी ये जैपनीज मेरे समझ नहीं आती। ओह माय गॉड, कंसीडर योर स्ट्रेंथ। ओके, ओह माय गॉड, ये क्या है? हेलो बुड्ढे, आजा निकल के बाहर। इसी से ज्यादा बार बार निकलता है। पिलग्रिम हेडबैंड, ओके, फक वाज दैट। मैंने इसको अपने एक माथे पे पहन लिया, अब आई थिंक मेरे अंदर एक नेक्स्ट लेवल की पावर आ चुकी है। ये कुछ हाथ में भी आ गया है और कमर पे भी कुछ लग गया है। ये क्या है? टिनी पीस ऑफ गोल्ड, होल नंबर 11, कन्फर्म। मैं कुछ बेच सकता हूँ इनको, और मेरे को 693 व्हील्स गेन हो चुके हैं। मैंने प्रॉफिट ले लिया है, जो कि मेरे लिए शायद बेटर होगा। ओके, आर्मर क्राफ्टेड, हमने अपनी आर्मर्स को क्राफ्ट कर लिया, एंड इसको भी क्राफ्ट करने के लिए शायद व्हील्स चाहिए। प्लस 7, ओके बाय, सेल कर देता हूँ उससे तो मुझे मिल जाएगा इनफ। मैं इनको भी टिनी पीस ऑफ गोल्ड, इनको भी सेल कर दूंगा। तीन चारों कर दूंगा, तीन बेटर है अभी। दो मेरे को चाहिए एक्चुअल में, 198। ओके, हो गया काम, क्राफ्ट हो जा। ओके, ये भी क्राफ्ट हो चुके हैं। फक इज दिस, हमने पूरा अपने आप को अपग्रेड कर लिया यहाँ पे। ओ तेरी, मैं एक नेक्स्ट लेवल का इंसान बन चुका हूँ अभी यहाँ पे, और मैं जैसे ही आगे बढ़ता जाऊँगा अपने आप को अपग्रेड करता जाऊँगा। ये रेस्ट कर लिया, और रेस्ट करने से क्या होता है तुमको पता ही है ना, हमारी एचपी फुल हो जाती है, हम पूरी तरह से अगेन ताकतवर हो जाते हैं। ओ तेरी, सेकंड वाला देखते हैं। कैन यूज दिस? हेलो, व्हील्स आ गई है। टीन पर्पल लिंग जी आ चुकी है। कुछ ना मिले तो बस वॉल्स तोड़ो बस, और कुछ ना, जो वॉल्स वगैरह हैं घर की वो सब तोड़ दो भाई। ये क्या था? एक रेडिस में कुछ मिलेगा भाई? कोई आत्मा निकल के आए बोले जगह का बूम बूम। अबे कहाँ गया ये टिनी पीस ऑफ गोल्ड? 5 मुझे और गोल्ड मिल चुके हैं, और इधर कुछ ये था ना कि ये बोल रहा अगर तुम एक बार इस गेट को क्रॉस कर गए तो यहाँ पे वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फक इज दिस, क्या सच में कोई रास्ता नहीं? क्या मैं यहाँ रहूँगा अगले 24 अगले हमेशा के खातिर, मतलब अगले टाइम के लिए, हमेशा के लिए मैं यहीं रहूँगा? कोई तो रास्ता होगा ना जो मुझे बाहर ले जा सके। ओए फाइट कराएगा क्या किसी से? ये क्या है? दिस इज गोना बी क्रेजी नाउ। ये था, ये सही यहाँ पे था। नहीं, अगर मैं इसको 2 रख दिया। ओ पिलग्रिम विद ट्रैप, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया था, तभी मैं सोचूं ये काहे को नहीं हो रहा है। ये आई थिंक मेरा हो चुका है यहाँ पे। ये सेल्फ एडवांस में देखते क्या है। ओ ये कुछ नेक्स्ट सेल का हो चुका है यहाँ पे, इसके दोनों साइड में। क्या है ये? लिंगूजी, ये कौन सा जानवर है? इतना खतरनाक सा वाइल्ड एनिमल टाइप का कुछ है। ये तो मेरे को लिटा दिया कि बार में, इसने अच्छा खासा डैमेज दिया। सुअर पे बिल्ला, ये जैम हो गया, इसे कुछ डैमेज ही नहीं लग रहा था, कितना कम लग रहा डैमेज। ये लोमड़ी जैसा लग रहा बिल्कुल। ये इतनी तगड़ी हवा फेंकता है पीछे से, अभी देखना। एक मिनट, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये पता है इससे मेरे को वाइट करने में मजा आ रही है।
बेटे तुमको तो मैं ठान देंगे लंबा लंबा। इसने मेरे को अंदर कर दिया। ओके मेरे पास भी थोड़ा रॉकेट वाली शक्ति आ चुकी है। गार्डन मैन डैमेज लग रहा है उसको भी डैमेज अच्छा खासा। मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था उसको। भाई ये जंप करके आएगा, आई एम श्योर ये जंप करके आएगा। ये कहाँ से आ रहा है? मैं ये मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए इसको। कम ऑन गार्डन मैन, मैं इसे कर सकता हूँ। Come on! I can do this. Come on! I can do this. Come on! This kid, Aliya, ma, kya bolu? Main isko kuch nahi bolta. Isko bas todna. Abhi mar. Mar jao, sare bhootni ka chahiye. Bas kariya nikal rahi hai. ये हाथ चाट के मारता है। कैसे मारो तुमको पता होगा, मैं भी हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने एक सेकंड के लिए माउस को छोड़ा तो मैं चला जाऊंगा हाथ छोड़ हमेशा के लिए। और इसने अपना एक हैंड यानी कि राइट हैंड अपना मुंह में लगा के चाटा और फिर मेरे ऊपर मारने की कोशिश की। चले चाट मारेगा। अब मैं समझ जा रहा हूँ, मैं डरू या थोड़ा इफेक्टिव होगा। एक्चुअली मैं भी फाइट तो कर रहा हूँ इसके, मैं थोड़ा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मेरा डैमेज काफ़ी कम हो चुका है, मेरी गलती, मैं इसको फुल करता हूँ। मुझे मरना नहीं है, प्लीज गॉड, मेरी हेल्थ बहुत कम है। बच गया, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए जॉइन कर दिया। मैंने हेल्थ थोड़ी सी गेन कर ली है, उसका डैमेज लगा है। मैं इसको यहाँ से भागने बिल्कुल नहीं दे सकता। इसके सर पे मारूँ अगर तो शायद हो कुछ, थोड़ा बचा है बेटा। इसके सर पे मारने से ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मैंने देखा किंग लिंगो से, या एब्सोल्युटली मैंने इसकी थोबड़ी बजा दी, मैंने इसकी बैंड बजा दी। कुछ तो मिलेगा ना, ग्रे वुल्फ मास्क, अभी मुझे कुछ तो मिलेगा। ग्रे वुल्फ मास्क, ब्लैक वन गॉयर गिफ्टेड द वुल्फ। ओके अबे कुछ तो आप क्रेजी चीज़ होनी चाहिए ना, जो मुझे समझ में आया। ये क्या लिखा, सेल्फ डिफेंस, ये पूरा जंगली गेम है बट नेक्स्ट लेवल है। ये क्या था, स्टैगनेशन। ओके ये कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगा मेरे को। ये अनलॉक हो चुका, मैं इसको भी चेक करता हूँ एक मिनट। एफर्टलेस फिंसर, ओ ये भी अनलॉक हो चुका। इधर इक्विपमेंट में देखते क्या था, ये क्या है। ओ तेरी, ये मेरे सर पे लग गई लोमड़ी वाली शक्ल। अब क्या लोमड़ी की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी क्या? लोमड़ी की शक्ति अगर मेरे अंदर आ गई तो मैं आई थिंक डबल शक्तिशाली बन जाऊंगा। और मेरे सर पर लग भी चुका है ये लोमड़ी वाला सर, मतलब लोमड़ी वाला मास्क लग चुका है, ये फॉक्स मास्क लग चुका है मेरे ऊपर। जेट लोटस मिल चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे ढूंढना होगा, नहीं तो मैं यहीं पे फंसा रहूँगा यार। इस ये चाय जापानीज़ मेरे को जापानीज़ में और जापान में और चाइना में ऐसे घर ज़्यादा बनते हैं। और मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद भी है ऐसे घर, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बहुत पसंद है। और जहाँ पर मतलब जापान के ऐसे, हाँ जापान के, चाइना के, चाइना जापान दोनों ही कह लेते हैं वहाँ पर। भाई साहब पता तुम्हें, चाइना की आई थिंक ज़्यादा हो सकता है, मैं उसका ज़्यादा रेटिंग दे सकता हूँ। इतने नेक्स्ट लेवल के घर में क्या लिखा, क्लिस्टिन जेड लोटस पिल, ठीक है ये मेरे को पिल मिल चुकी है, आई थिंक ये मेरा काम आने वाली है। बट उन घर में ना नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। मैं 10 में से 8 देता भी हूँ, आई गेट दिस 8 out of 10 टू जैपनीज होम एंड चाइनीज होम एंड आई गेट 9 अमेरिकन होम out of 10। लेट्स गो, ये क्या है। ओके ये घंटा में मैंने ठार दिया और यहाँ पे लग जा, कुछ होगा। बुढ़पक निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा, मैं हेल्थ वेल्थ बढ़िया सब कुछ पूरी कर लूँ। इससे ये रहेगा कि मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक रहूँगा और जहाँ पर कोई भी सामने दिखेगा मैं उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहूँगा। ये देखो, देखा तुमने, ये मेरा नीला वाला हिस्सा पूरा ख़त्म हो चुका था इधर। लेट्स गो 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 गो। तुमने एक चीज़ नोटिस की,
कि ये जो जगह मैं जा रहा हूँ, इस जगह को मैंने पहले ना ही कभी प्रख्यात में सुना है, आई मीन क्या बोलते हैं, ना मैंने आज तक सुना इसके बारे में। और ये इनसे पहले मुझे पहले लड़ना होगा, फिर बाद में बताता हूँ। ख़त्म हो गए, ना ही इस जगह के बारे में ना पहले मैंने कभी सुना है ना देखा है। ये पानी में भी जंप कर सकता है, मैंने अभी देखा लिटरली, ये नेक्स्ट रोल था मैंने। Call this one undamaged. Everyone knows that कि अगर इसने कुछ ऐसा किया गड़बड़ा लो हाय बेटे क्या कर रही है ये, तू मुझे कुछ देगा क्या? कुछ देर आई थी, ये क्या है, ये क्या सिखा रहा है? मुझे लगा पहले ये देगा कुछ, बड़े को मुझे कुछ गाड़ी सिखा रहा है। ये मुझे बेस बट अ हेलो शेल कैन वी गेट ग्रांट नो यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन हिम ओके जी सो फु शंग 都是好人黑风怪好弄把戏嘴上修真养性都是他的烂气性我我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 
में बैठ जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए कुछ शांति फील करनी चाहिए मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे को थोड़ा कूलनेस आ रही है। मैं बता नहीं सकता ये फील तुमको, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और आई थिंक वो थोड़ी देर के लिए अब रिलैक्स भी हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का फाइट करेगा वो। और मैं अभी नहीं, मैं कभी नहीं बता सकता था तुमको ऐसा कुछ भी। एक मिनट मैं थोड़ा सुधार लूँ कुछ। फोन किधर गया? ओके लेट्स गो, कम ऑन, गो 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 गो। सेल्फ डिफेंस, ये क्या था? ओ ये नेक्स्ट लेवल की थी शक्ति। ये भी इसको देख लेते हैं एक बार। ये भी है ठीक है, इसकी चार मिल जाएगी, उसकी पाँच पार्क फाइव। कुछ तो भी बच रहा था इसमें मुझे लगता है ऐसा। मेट गोइन अगर बचता है तो फिर देखते हैं बाद में। गो इनसाइड, गो 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 गो। ये एक बंदा इधर साइड में खड़ा है। अब मुझे किधर जाना चाहिए, पुल की ओर? ये क्या है, पुल नहीं है, कुछ और ही है। मुझे लगा मुझे पुल की ओर जाना चाहिए, बट यहाँ पुल तो कहीं दिखाई नहीं। ये एक बार में गया आधा। सर पे हेड मारने से, मतलब हेड में मारने से बहुत जल्द मर जाते हैं सब। कुछ मिलेगा इस बार? कुछ तो मिला आई थिंक। ये कुछ तो मिला है। विल या, ओके विल यॉर्न। क्रेजी थिंग्स केम फ्रॉम क्रेजी माइंड। और ये पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे बॉय। साले तेरी मैं बैंड बजा दूंगा। एंटी मियास्मा पाउडर, एंटी मियास्मा का तो पता नहीं, बट मेरी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। कम ऑन गो गो। फक वाज दैट? गो गो गो। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे उधर राइट साइड में लग रहा था कि स्नो गिर रही है इधर। हाँ बट एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरा रहा और यहाँ पे पानी भरा। ओए मैं तेरे को एक बार नहीं हजार बार समझा चुका हूँ कि मेरे पास मतलब ये मेरे पास बहुत तगड़ा वेपन है, तुमको मैं ठांस दूंगा एक ही बार में बेटे। मैंने पहली जिंदगी में पहली बार देखा कि एक जानवर इस तरीके की नाइफ चला रहा हो, चाकू चला रहा हो। वाओ दिस इज क्रेजी ब्रो। तेरी ये क्या था? ऑल द नाइट्स ऑल द प्लेइंग द नेम। ये क्या है, क्या मैं इसको? कम ऑन गो 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 गो। और ये हो सकता है, मुझे ऐसा करना होगा। ओ मैं इसको हेलीकॉप्टर की तरह लिटरली घुमा सकता हूँ। ये पहले मेरे पास आई थिंक एबिलिटी नहीं थी, बट एक्चुअली ये आवाज होगी। और जिधर जिधर ये कुछ ब्राइटेड वाले जा रहे हैं चमकीले पदार्थ,
मुझे इनको फॉलो करना होगा, बट ये यहाँ पे क्या है, टाइगर सबलिंग पैलेट्स। अबे क्या आप टाइगर से मेरी फाइट होने वाली क्या? अबे ये पता है इसमें चीज़ में और मैंने चीज़ देखी वो ये, जब भी तुम्हारी किसी से फाइट होने वाली होती है तुम्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। जैसे कि तुम्हें अगर लेवल 3 वाले से फाइट करने तो तुम्हें लेवल 3 के जैसा ही स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। मर जा, उसको मैंने जैम कर दिया यहाँ पे। क्या था इसके पास, ये टाइगर था या खुद ही बन गया था टाइगर जैसा? मर चुका है विल 173, मुझे विल्स मिल चुकी है यहाँ पे। और ये नॉर्मल नहीं है, काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर भी कुछ है। हेलो बुड्ढे क्या कर रहा है? मैं इसको लगा दूँ यहाँ पे और थोड़ी देर के रिलिस्ट और इन्वेस्ट क्या बोलते उसको। फिलहाल इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है और पता नहीं कितने इसके पार्ट बनेंगे, बट पूरा मज़ा लेकर जाएंगे। और तुम लोग सब्सक्राइब कर देना यार, एंड अगर तुम ड्रिंक करके कुछ भी कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी ड्रिंक करके कुछ भी कर सकता हूँ, ये पता नहीं जरूर नहीं मुझे। आई कैन से आई एम ड्रिंकर। अब पता नहीं मैं क्या बक देता हूँ, बोल देता हूँ, बट तुम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, सब्सक्राइब कर देना। ओके okay?